आज से 50 साल पहले डेंटिस्ट की लाइफ बहुत आसान थी एक ही तरह की कैप बना करती थी और उस कैप को जिंक फॉस्फेट के साथ चिपका दिया जाता था पर टाइम के साथ ये प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है नई नई डेंटल कंपनीज नए रेस्टोरेटिव प्रोडक्ट्स लेके आती है और ये जो नए प्रोडक्ट्स है बिल्कुल नेचुरल लुकिंग है एस्थेटिक है पर इनकी जो सीमेंटेशन डिमांड है वो डिफरेंट है आज जिंक फॉस्फेट को यूज होते हुए सौ साल से भी ज्यादा हो गए हैं जिंक फोस्फेट पी एफ क्राउन के लिए तो ठीक है जो कि मैकेनिकल रिटेंशन पे डिपेंड करता है पर इस सीमेंट की कुछ कमियां हैं जैसे कि लो स्ट्रेंथ पुअर मिक्सिंग कैपेबिलिटी पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी पुअर एस्थेटिक नो एडेशन एंड हाई वाटर सोलबिलिटी और इन कमियों के कारण आज जिंक फॉस्फेट लगभग बेकार हो गई है इसलिए आज के टाइम के अंदर कुछ नई सीमेंट्स भी हैं और इन नई सीमेंट्स, नए रेस्टोरेटिव मटेरियल के साथ कंपेटिबल है पर लेकिन यह हो सकता है कि एक सीमेंट एक रेस्टोरेटिव मटेरियल के लिए तो अच्छी है पर दूसरे के लिए बिल्कुल बेकार और इसी वजह से यह सीमेंटेशन प्रोसीजर कई बार काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है हाय, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशन एंड टाइप ऑफ डेंटल सीमेंट फॉर सीमेंटेशन हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि एक डेंटल सीमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि सीमेंटेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको वो प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप हमारी पहले पुराने वाली वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ा है सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक 1850 से हमने सीमेंटेशन प्रोसीजर स्टार्ट करा एंड उस टाइम हम जिंक ऑक्साइड यूजिनोल का इस्तेमाल करते थे और इसको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं अगर हमको कोई क्राउन टेम्प्ररी सीमेंट करना हो तो आज भी हम जिंक ऑक्साइड यूजिनोल का ही इस्तेमाल करते हैं फिर नेक्स्ट सीमेंट आई जिंक फॉस्फेट एंड मैंने ये सीमेंट अपने कॉलेज टाइम में भी इस्तेमाल करी है बेसिकली ये सीमेंट एसिड बेस रिएक्शन यूज़ करती है इनफैक्ट एसिड काफ़ी स्ट्रोंग होता है जो काफ़ी पल इरिटेशन करता है पर इसकी सीमेंटेशन प्रॉपर्टी आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है और जिंक फॉस्फेट सीमेंट से हमें काफी लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिलती है नेक्स्ट सीमेंट आई जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट और ये सीमेंट आज भी काफी डेंटिस्ट यूज करते हैं जब लंबे समय तक टेम्पररी क्राउन देने हो या पीडियाट्रिक पेशेंट में स्टेनलेस स्टील क्राउन देने हो पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट पलपल इरिटेशन कम करती है फॉस्फेट के कंपैरिजन में पर यह सीमेंट जल्दी सलाइवा में डिजोल्व हो जाती है और इसके अंदर कोई एडेसन प्रॉपर्टी नहीं है और इसकी जो हार्डनेस है वो भी काफ़ी कम है नेक्स्ट सीमेंट जो इवॉल्व हुई उसे कहते हैं ग्लास साइन ओवर और इंडिया में ये मोस्ट कॉमन सीमेंट है और इस सीमेंट के अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी भी है और तो और ये फ्लोराइड भी रिलीज करती है इसको हम टाइप वन जी भी कहते हैं और कुछ ब्रांड नेम हो सकते हैं जैसे जी सी गोल्ड टीथ में पल्पर इरिटेशन कर सकती है मॉइस्चर से भी सेंसिटिव है एंड मार्जिन पर से ये टाइम के साथ डिजोल्व हो जाती है जो डेंटिस्ट सिर्फ पी क्राउन ही देते हैं उनकी ये नंबर वन चॉइस है पर टाइम के साथ और भी एडवांसमेंट हुई एंड नेक्स्ट सीमेंट जो आई उसको हम रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइन सीमेंट कहते हैं पीएफएम को ल्यूट करने के लिए यह सीमेंट टाइप वन जीआईसी को रिप्लेस करता जा रहा है पर जीआईसी टाइप वन से ये काफी कॉस्टली होती है इस वजह से आज भी ये कम इस्तेमाल होती है रेजिन मॉडिफाइड जी के कुछ ब्रांड नेम हैं जैसे जी सी फ्यूजी सेम टू या वोको का मेरोन प्लस क्यू या रेलिक्स ल्यूटिंग प्लस इस सीमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं फर्स्ट कंपोनेंट में रेडियोपेक फ्लोरो एलुमिनो सिलिकेट ग्लास होता है एंड हेमा भी होता है सेकंड कंपोनेंट में मेथेक्राइलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है विद बिस जीएमए एंड हेमा बेसिकली टाइप वन जीआईसी के पॉलीएक्रेलिक एसिड मोनोमर के कुछ पार्ट को चेंज करके मेथैक्रिलेट मोनोमर बना दिया जाता है जो ज्यादा हाइड्रोफिलिक है एंड सीमेंट की एडहेसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है रेजिन मॉडिफाइड ग्लास ओवर सीमेंट की कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे गुड एडहेजन टू टूथ एंड मेटल कन्वेंशनल जीआईसी के मुकाबले सोलिबिलिटी भी कम है फ्लोराइड भी रिलीज करता है सिंपल टू यूज है और इसकी जो पल्पल -पल इरिटेशन है वो काफी कम है पर इस सीमेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे गुड एडहजन तो है पर बेस्ट एडहजन नहीं है अगर क्राउन रिटेंटिव नहीं है तो डिसलोजमेंट देखने को मिल सकती है अब फ्लोराइड रिलीज एडवांटेजेस तो है केरीज कंट्रोल करने में पर इसका एग्जैक्ट रोल हमें नहीं पता ये सीमेंट सेट होने पर एक्सपेंड होती है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर सीमेंट मॉइस्चर से भी काफ़ी सेंसिटिव होती है

मेरे ओपिनियन में ये सीमेंट दो चीज़ पे जीआईसी से ज़्यादा बेहतर है कि ये डिजोल्व नहीं होती और पल पल इरीटेशन नहीं करती अब टाइम के साथ नेक्स्ट सीमेंट आई रेजिन सीमेंट और ये भी टू टाइप्स की है एडहेसिव रेजिन सीमेंट एंड सेल्फ एडहेसिव रेजिन सीमेंट पहले बात करते हैं एडहेसिव रेजिन सीमेंट एडहेसिव रेजिन सीमेंट में भी काफ़ी सारी वेरिएशन अवेलेबल हैं जैसे ये पेस्ट फॉर्म में भी आती है और पाउडर एंड लिक्विड में भी दो पेस्ट में भी आती है और सिंगल में भी लाइट की ओर भी आती है केमिकल की के ओर भी आती है और डुअल सेल्फ एच भी आती है और टोटल एच भी इसलिए आपको मैन्युफैक्चर की इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आप मैन्युफैक्चर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर हम एडेसिव सीमेंट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये सीमेंट टूथ एंड रेस्टोरेशन के साथ बॉन्ड करती है पर आपको बॉन्डिंग एजेंट का यूज करना जरूर चाहिए और बॉन्डिंग के कारण ही आपको बेस्ट एडहेसिव रिजल्ट मिलेगा सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है इनिशिएटर का इसमें मैथ बेस्ड बेस्ट इनिशिएटर है जो कि लाइट एक्टिवेटेड हो सकते हैं केमिकल एक्टिवेटेड भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं अगर आपकी सीमेंट लाइट एक्टिवेटेड है तो आपको ओपेक रेस्टोरेशन लाइक पी एफ एम में यूज़ नहीं करना थर्ड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है एसिड एचिंग कुछ सीमेंट सेल्फ एच है एंड कुछ टोटल एच आपको अपनी रेस्टोरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको उसको एच करोगे या सेंड ब्लास्ट या सेम वे में टूथ को भी मैन्युफैक्चर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करना है अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पहले देखते हैं एडवांटेज फर्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ इन सीमेंट के साथ आपको मैक्सिमम एडिशन मिलेगी अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपकी रेस्टोरेशन फेल नहीं होगी सेकेंड है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नेक्स्ट है लो सोलबिलिटी ईज ऑफ डिलीवरी एंड न्यू रेस्टोरेशन के साथ कंपेटिबिलिटी अब देखते हैं डिसएडवांटेज फर्स्ट है टेक्निक सेंसिटिव इस सीमेंट को यूज करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए एंड करेक्ट ऑर्डर में स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं सेकंड है डिफिकल्ट क्लीन अप अगर इसका एडिशन अच्छा है तो एक्स्ट्रा सीमेंट को क्लीन करना भी टफ है आपको सीमेंट को सेट होने से पहले ही क्लीन करना है वाटर सॉप्शन एंड पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी भी इस सीमेंट के साथ देखी गई है ये सारी बातें बताकर मैं आपको सीमेंट को यूज करने से डिस्करेज नहीं कर रहा हूं पर आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पता होने चाहिए यूज करने से पहले अगर हम बात करें कंपनीज की तो ये रेजिन सीमेंट आपको कुछ इन ब्रांड नेम के साथ मिलेगी सेल्फ क्योर में पनामा ट्वेंटी वन या बिस सैम के से नाम से लाइट क्योर में जैसे वेरियो लिंक एस्थेटिक एल सी या रेलिक्स एक्स विनियर। डोअल क्योर में वेरियो लिंक एस्थेटिक डी सी कैलिब्रा रेलिक्स एक्स अल्टीमेट वोको बाईफिक्स क्यू एंड मेरे ओपिनियन के अंदर अगर आप पोस्टीरियर वर्क कर रहे हैं तो डुअल ओर अच्छा है लेकिन अगर आप एंटीरियर कर रहे हैं जहाँ पे विनियर्स प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइट ओर अच्छी सीमेंट है अगर इस सीमेंट की इंडिकेशन की बात करें तो ये सीमेंट ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए यूज हो सकती है पी एफ एम क्राउन विद जीरो रिटेंशन जिरकोनिया इन ले ओन ले कम्पोजिट विनीयर्स पोस्ट एंड कोर एंड एनीथिंग बस एक बात का ध्यान रखना अगर आपकी सीमेंट लाइट क्योर है तो पी एफ एम जिरकोनिया में यूज नहीं करनी क्योंकि लाइट सीमेंट तक नहीं पहुंचेगी एंड क्राउन सीमेंट नहीं हो पाएगा अब हम अपनी नेक्स्ट सीमेंट पर चलते हैं सेल्फ एडेसिव रेजिन सीमेंट जो कि एडेसिव सीमेंट का और एडवांस वर्जन है यह सीमेंट एडेसिव सीमेंट से डिफरेंट है क्योंकि ये ड्यूअल क्योर है इनमें एक्रेलिक डाई एकरेलट मोनोमर एंड स्पेसिफिक एडहेसिव मोनोमर है जो कि काफ़ी एसिडिक है एंड सेल्फ एडेशन के लिए सफिशेंट है ये सीमेंट डेंटिन पर ज़्यादा अच्छा वर्क करती है इनेमल के कंपैरिजन में इसमें हम स्मियर लेयर इंटैक्ट छोड़ते हैं एंड टूथ एचिंग नहीं करते अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सिंगल स्टेप है और हमारा काफ़ी टाइम सेव करती है इसका क्लीनअप भी ईजी होता है एडेसिव सीमेंट के मुकाबले बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ठीक है एंड पल्पर इरिटेशन भी देखने को नहीं मिलती पर इसकी डिसएडवांटेज है कि इसकी कलर स्टेबिलिटी कम है इसलिए हम विनियर में यूज़ नहीं करते सेकंड डिसएडवांटेज है कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम है एडहेसिव सीमेंट के मुकाबले में इसलिए जीरो रिटेंशन वाले क्राउन भी इससे सीमेंट नहीं करने चाहिए अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करें तो ये भी सभी चीजों में यूज हो सकती है एक्सेप्ट विनियर्स क्योंकि ये कलर स्टेबल नहीं है एंड इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है मेरे क्लिनिक में यह काफी सारे केसेस के अंदर इस्तेमाल होती है क्योंकि ये मेरा टाइम सेव करती है एंड साथ में अच्छी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है मार्केट में आपको ये सीमेंट कुछ ऐसे ब्रांड नेम से मिलेगी स्पीड सैम प्लस बाय आईवो रेलिक्स यूनिसेम बाई फिक्स एसी बाई वोको एंड मैक्सिम लाइट कर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया होगा। अगर आप भी हमको ज्वाइन करना चाहते हैं पेशेंट्स के ऊपर वीनियर्स इनले ओनले सीखने के लिए फुल माउथ रिहेबिलिटेशन सीखने के लिए तो जी डेंटल अकेडमी को ज्वाइन करें थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज थैंक यू